तो पिछले मैंने वीडियो में बात की थी रोजनमोन रिडक्शन के बारे में। तो रोजनमोन जब रिडक्शन के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने बोला था कि एक बीएससी लेवल पे जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत इजी है, उसको एक सिंपल सा मैकेनिज्म बता दिया था, बट एक्चुअली में मैकेनिज्म ऐसा होता नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा होता है। एक्चुअल मैकेनिज्म कैसा होता है कि हमें पता है कि सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं। पहले हम कुछ बेसिक बेसिक डिटेल डाल लें, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एसाइल क्लोराइड, प्लेडियम बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो ये तीन सबस्ट्रेट हैं, ये हमारे पास में थे और हमारा बन रहा था एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम इसको एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये होता है। एक्चुअली में साइक्लिक प्रोसेस है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा वो चाहिए। जब प्लेडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इट फॉर्म ए स्पीशीज कॉल्ड प्लेडियम L4। तो प्लेडियम जो है मतलब चार लिगेंड से एक वो बनाएगा। यहाँ पे लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, क्विनोलोन हो सक्ता है, बेरियम सल्फेट्स भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, बट बेसिकली ये क्विनोलोन ही होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। कभी कभी क्लोराइड भी होता है, क्लोराइड हो सकता है, बेरियम सल्फेट नहीं होता, रेयरली ही होता है, बट मोस्टली कौन कौन से हैं, क्विनोलोन। क्विनोलोन क्या है, एक नाइट्रोजन बेस्ड स्पीशीज है। ठीक है, इस तरीके का क्विनोलोन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और क्लोराइड तो है ही। तो हमारे इसके चार और यहाँ पर रिएक्शन करके PDCl4 बनेंगे। जब जैसे PDCl4 बनेगा, तो ये जो स्पीशीज है ये चार बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही मतलब फेमस है। तो कैसे चार बॉन्ड बनाती है, ये दो लिगेंड छोड़ेगी और इसके साथ में प्लेटिनम इस बॉन्ड के बीच में अटक जाएगी और Cl जो है प्लेडियम पे अटैच हो जाएगा। दो लिगेंड निकले और क्लोरीन जो है प्लेडियम के पास गया और इस तरीके से चार ये रहे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन चार को भी निकल जाएगा तो वो और हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। तो लिगेंड का सिर्फ काम क्या है, इट इज एक्टिंग एज ए पंपिंग एजेंट। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है कि प्लेडियम जो है जीरो से प्लस मतलब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। जैसे हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन। मतलब क्या होगा, एच निकलेगा और ये यहाँ पे निकलेगा और वापस जो फोर लिगेंड जो हमारे पास थे प्लेडियम से इसको इस्तेमाल करेगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ये, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, साइक्लिक रिएक्शंस हैं उनको बोलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव एडिशंस होते हैं, ठीक है, और रिडक्टिव एलिमिनेशंस भी इस प्रोसेस में होता है। लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड बस प्लेडियम के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जीरो से प्लस फोर में जाता है ये, तो ये चीज भी हम समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा ये बीएससी में भी नहीं समझाते, मास्टर्स में शायद तुम्हें शायद मौका मिले, अगर कोई अच्छा टीचर होगा समझाने वाला तो कोशिश करेगा, लेकिन हाँ मास्टर्स तक तो तुम्हें पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड रिएक्शंस तुमने पढ़ी होंगी, मतलब तुम पढ़ोगे सुजुकी रिएक्शन, पुनर्शेंग कपलिंग और बहुत सारे हैं, हैक रिएक्शन भी है, हैक कपलिंग भी है, इन सब में ऐसे ही मेटल बेस्ड कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। तो रोजनमोन रिडक्शन भी उसी में से एक आती है। तो आई होप मैंने कोशिश करी कि मतलब तुमको समझा सको कि ये किस तरीके से होता है, और जितना अच्छे से मैं समझा सका था मैंने समझाया। और आप देखते रहिए हमारी वीडियो, तो लाइक करते रहिए और जितना हो सके आप हमारे काम को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। Please like and subscribe to our YouTube channel.